हाँ तो आ जाओ भाई लोगों, मरीन इंजीनियरिंग कैडेट्स आ जाओ, तुम्हारे लिए ये वीडियो बनाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पांच ऐसे कौन से एनपीटीएल के कोर्सेज हैं जो आपको करने ही चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पांचों के पांचों कोर्स जाके करो, लेकिन एटलीस्ट एक कोर्स तो आपको करना ही चाहिए। मैं आपको पांच कोर्सेज बताऊंगा जिसमें से दो कोर्सेज मैंने खुद ने कर रखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज है जो आपकी सीवी को बहुत ही अच्छा बूस्ट कर देंगे और आपको एक पॉइंट दे देंगे आपके कैंपस इंटरव्यू में बोलने के लिए कि हाँ मेरे पास में ये एक स्पेशल टाइप का सर्टिफिकेट है जो मैं होल्ड करता हूं, मेरे पास में इसके लिए मैंने ये सीखा है। तो बिल्कुल आप सही जगह पे आए, मैं आपको आज बताऊंगा वो पांच एनपीटीएल कोर्सेज। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मिनट भी नहीं यार, सिर्फ 20 सेकंड में मैं आपको बताऊंगा कि एनपीटीएल क्या होता है। एनपीटीएल की फुल फॉर्म होती है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग। ये बेसिकली 7 IITs और 1 IISc है जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है और पूरी जो इसकी क्लासेस है वो ऑनलाइन ही चलती है। इस कोर्स को करने के बाद में आपको IIT या IISc से अप्रूव्ड सर्टिफिकेट मिलता है। आप सोच लो यार, आपको IIT से अप्रूव्ड सर्टिफिकेट मिल रहा है, और क्या चाहिए यार, मरीन इंजीनियरिंग ठीक है लेकिन IIT का सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आपको सर्टिफिकेट के पीछे दौड़ना चाहिए, लेकिन ये आपको बोल रहा हूं क्या, एटलीस्ट आपको वो स्किल तो सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू रूम में जाके अगर बोलते हैं कि सर मेरे पास में पर्टिकुलर स्किल है और मैं इसमें सर्टिफिकेट होल्ड करता हूँ, तो सीरियसली दोस्तों आपका एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज बन जाता है। जिस आदमी के पास में, जिस क्रेडिट के पास में अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है और आपके पास में पर्टिकुलर स्किल है और एक आप एक पर्टिकुलर स्किल में अगर एक सर्टिफिकेट होल्ड करते हो, तो इससे एडवांटेज की बात मुझे नहीं लगता कोई होगी। एनपीटीएल के फॉर्म्स आ चुके और अब मैं आपको बताऊंगा एनपीटीएल के पांच ऐसे इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो कि आपको कर लेने चाहिए। तो जो नंबर 5 पे जो कोर्स आता है वो है मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट, कोर्स का नाम है वेल्डिंग प्रोसेसेस, जो कि IIT मद्रास कंडक्ट करवाता है। 12 वीक्स का कोर्स है। ये कोर्स किनको करना चाहिए, जिनके कॉलेज में वेल्डिंग नहीं सिखाई जाती है या फिर बहुत ही कम पीरियड के लिए वेल्डिंग सिखाई जाती है, जैसे कि मेरे कॉलेज में मैंने 2 साल तक वेल्डिंग सीखी है प्रैक्टिकल, तो मुझे इस कोर्स की कोई नीड नहीं है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत ही डीप एनालिसिस किया हुआ है इसमें वेल्डिंग के बारे में, बहुत ही अच्छा एडवांटेज है आपको, क्योंकि शिप पे जाकर सबसे पहला काम आपको कौन सा करना है, वेल्डिंग करनी है, तो वेल्डिंग सीख लो ना यार, जब ऑनलाइन वेल्डिंग सिखाई जा रही है। हालांकि प्रैक्टिकल जितना तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट आपके पास इतना आपको आइडिया लग जाएगा कि वेल्डिंग आप डिटेल में सीख जाओगे इस कोर्स को करने के बाद। जो नंबर 4 पर जो कोर्स है वो आता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, और इस कोर्स का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स कोई भी कर सकता है, फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक का स्टूडेंट या फिर पास आउट कैडेट भी किए कोर्स कर सकता है। क्योंकि इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल्स बताए गए। अगर आपका इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा वीक है या फिर मैं कहना चाहूंगा वीक है, तो ये कोर्स आप कर लो यार, मेरी तो मानना ये, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बहुत ही नई नई चीजें आपको पता चलेगी इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स के बारे में। और जहां तक आपको पता है कि ETO तो शिप से निकाल रहे, तो इलेक्ट्रिकल नॉलेज भी आप में ही होना चाहिए, तो सीख लो यार। और ये जो कोर्स करवाता है वो है IIT खड़गपुर। 12 वीक्स का कोर्स है और बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस कोर्स में। अब जो नंबर 3 पे जो कोर्स है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, और इस कोर्स का नाम है IC इंजन एंड गैस टर्बाइन। बहुत ही खतरनाक ये कोर्स है, जो कोर्स ये मैंने कर रखा है, बहुत ही टफ कोर्स है, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद में आप इतना सब कुछ सीख जाओगे IC इंजन के बारे में। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी अगर IC इंजन से क्वेश्चन पूछे और आपको वो क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे सर मैंने तो कोर्स कर लिया, मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आया, तो वैसे बात नहीं। और ये जो कोर्स करवाता है वो IIT गुवाहाटी ये कोर्स करवाता है, और इस कोर्स का जो टाइम पीरियड है वो है 12 वीक्स। अब जो नंबर 2 पे जो कोर्स आता है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, कोर्स का नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे टफ कोर्स है ये, और ये कोर्स मैं रिकमेंड करता हूँ जो भी फोर्थ ईयर में है या फिर ऑलरेडी पास आउट हो चुके, उनको ये कोर्स करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताया गया है ये कोर्स। एक्चुअली मैंने खुद ने कर रखा है, इसलिए मुझे पता है कि ये कोर्स बहुत ही ज्यादा डिटेल एनालिसिस होता है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग को, मतलब आप बहुत कुछ सीख जाओगे। मैं आपको कह रहा हूं, आप सेकंड इंजीनियर तक का आप इन्फॉर्मेशन सीख जाओगे अगर ये आपने कोर्स कर दिया तो। और ये कोर्स जो है वो 8 वीक्स का कोर्स है, और ये कौन कंडक्ट करवाता है, ये कंडक्ट करवाता है IIT रुड़की। तो ले लो सर्टिफिकेट IIT रुड़की से और बन जाओ मास्टर शिप पे जाने के बाद। अरे जूनियर जाएगा शिप पे, बोलेगा अरे सर आओ ना। अब जो नंबर 1 पे जो कोर्स है वो आता है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट पे, और इस कोर्स का नाम है टेक्निकल इंग्लिश फॉर इंजीनियर्स में बेसिकली जो आपको जो पुश किया जाता है वो राइटिंग स्किल्स पे आपको पुश किया जाता है। हालांकि कोर्स मैंने कर रखा, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में मैं अगर बात करूं तो इतना कुछ आप नहीं सीखोगे इस कोर्स करने के बाद, लेकिन आपका टेक्निकल जो मैं अगर बात करूं राइटिंग स्किल्स की, तो वो बहुत ही ज्यादा आपकी बढ़ जाएगी इस कोर्स को करने के बाद। कोर्स जो कंडक्ट करवाता है
वो है IIT मद्रास और 8 वीक्स का कोर्स है, ले लो इसमें सर्टिफिकेट। क्योंकि बहुत सारी शिपिंग कंपनीज में आपने अगर देखा होगा तो ऐसे राइटिंग का कॉम्पिटिशन आता है, तो वहां पर आप एक भी कोई भी पॉइंट निकाल के अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हो तो वहां पर बोल सकते हो कि मैंने इस पर्टिकुलर ऐसे में बहुत ही अच्छा लिखा था और मेरे पास जो है IIT का एक सर्टिफिकेट मैं होल्ड करता हूं और इस सर्टिफिकेट का नाम है टेक्निकल इंग्लिश फॉर इंजीनियर्स। तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है। और अगर आप शिप पे जाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको तो सिर्फ प्रैक्टिकल काम करना है शिप पर कभी कभी ये होता है कि आपको प्रैक्टिकल नहीं आता है तो आपको सिर्फ इतनी मोटी मोटी बुक्स देते और बोलते हैं चलो लॉग बुक एंट्री करो, लेटर बनाओ, ईमेल भेजो, तो उसमें आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है। तो कोर्स अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मैं बताऊंगा या इतना मैंने फास्ट क्यों बोला, क्योंकि फास्ट इसलिए बोला क्योंकि आप लोग फिर सुनते नहीं, आप लोग यार धीरे होते हो तो फिर उसको फास्ट करके सुनते हो, इससे अच्छा मैंने सोचा मैं ही थोड़ा फास्ट बोल लेता हूँ।